कलेक्शन हम आपके देखेंगे क्योंकि आपकी सिस्टर जो है ब्यूटीफुल एक्टर है इंडस्ट्री की और आप जो है ब्यूटीफुल डिज़ाइनर हैं, तो कुछ बताइए हमें आपके कलेक्शन के बारे में। पूरी कलेक्शन समर वेडिंग समर रिजॉर्ट वेयर पे है, डेस्टिनेशन ब्राइड्स एंड लाइटर क्लोथ्स विद मोर एंड मोर ऑफ मोर एंड मोर ऑफ ईजी स्टाइलिंग ईजी क्लोदिंग, उसी पे सारा फोकस है। हाँ, बिकॉज द इंटायर आइडियोलॉजी अराउंड द डिज़ाइनिंग सेंस इज दैट कम्फर्टेबल क्लोथ्स हो लेकिन फील उसमें बहुत रॉयल आए, पूरा उसमें ग्रेस एंड सिंप्लिसिटी आए। और ये जो साड़ी है ईशा जी की, जी ये आपके डिजाइनर ने एब्सोल्युटली थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। हमने इन्हें अभी बताया भी, ही डिड से हमारी लैंग्वेज में बताया कि पटाखा लग रहा है। आप जरा बताइए क्या आपकी पटाखा का ये फेवरेट कलर है एंड ऑल्सो इट सूट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली। ऑर्गेंजा का यूज़ करा है बिकॉज उसकी जो ब्यूटी और शेयरनेस है दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी लाइट वेरी डेलिकेट, समर्स को माइंड में रख के तो वो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली। जी, और कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहिए आपकी सिस्टर के बारे में, इनके कलेक्शन कैसा है? ये कलेक्शन मेरी बहुत फेवरेट है बिकॉज दिस इज़ समर ब्राइड और कपड़े उतारने का ज़्यादा शौक है मुझे, तो आई थिंक समर ब्राइड इज़ बेटर देन विंटर ब्राइड मेरे लिए। नहीं, बट कमिंग बैक टू आई प्रिफर लाइटर कलर्स लाइटर फैब्रिक। हाँ, फैशन शो वगैरह हमारा शूट्स पे डिफरेंट होता है क्योंकि हमें तब अलग अलग पहनना पड़ता है, बट अगर आई थिंक फॉर मी इट विल ऑलवेज बी अ समर ब्राइड एंड कलर, शी राइटली सेड येलो इज़ माई फेवरेट कलर। प्लस अंदर भी अगर आप कलर देखेंगे एक्सेप्ट द टिपिकल जो रंग होते हैं ब्राइड्स के रेड ग्रीन, उसके अलावा उसके ज़्यादा पेस्टल्स यूज़ किए हैं सो दैट यू नो एंड डेस्टिनेशन वेडिंग समर्स में ही होती है ज़्यादातर, लोग इटली रोम एवरीवेयर दे गो, सो आई थिंक फॉर दैट इट्स रियली नाइस। एंड उनकी तभी उनकी कलेक्शन का नाम भी गज़ल है बिकॉज दैट्स वाई जो आपने जैसे बोला कि मुगल सॉट्स आपको फील आती है, तो शी स्केप दैट रॉयलनेस इन हर क्लोथ्स एंड फैब्रिक, मतलब एम्ब्रॉयडरी में रॉयलनेस रखी है फैब्रिक में, बट फैब्रिक उन्होंने शी स्केप दैट इन माइंड कि लाइट हो बिकॉज समर में क्या होता है ना ज़्यादातर एनी वे दैट सो हॉट एंड डेस्टिनेशन, तो इवन द ब्राइड्स जो भी नेहा जी के पास हमेशा से मेरे सिस्टर के पास आए हैं ब्राइड्स, दे ऑलवेज डिमांडेड फॉर लाइटर क्लोथ्स सो दैट यू नो इट्स ईजियर टू डांस ईजियर टू मूव, फेरों के टाइम पे आसान रहे, तो आई थिंक इट्स रियली नाइस। या यू नो साड़ी इज समथिंग दैट आई थिंक खासकर इंडियन पे नहीं, आई थिंक साड़ी एक ऐसा आउटफिट है कि हर औरत पे बहुत सुंदर लगता है। आप अगर किसी फॉरेनर को भी देखे ना कभी साड़ी पहन के आपको लगता है हर एक साड़ी पहनी। आई रिमेंबर व्हेन मिशेल ओबामा आई थिंक वोर वंस, तो हर एक को इतना अच्छा लगा था कि साड़ी एंड साड़ी आई थिंक इंटरनेशनली इज़ द बेस्ट आउटफिट पॉसिबल आई फील फॉर एनी वुमन अराउंड द वर्ल्ड। एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई सेड लाइक येलो इज़ माई फेवरेट कलर, सो आई डिमांडेड, यहाँ पे मैं डिमांड कर सकती थी कि मुझे येलो पहन कर आना है, तो मैंने डिमांड किया और बनवाया। ईशा जी देखा जाए आप ये समर सीजन काफ़ी एंजॉय कर रही है, इंस्टाग्राम से हमें पता ही चल रहा है कभी वाटर मिलन खाते हैं कभी गन्ने के, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ अभी फिलहाल। वो वाटरमेलन और नारियल पानी जो आपने देखा वो हमारी शूट चल रही है अभी भी, मैं वहीं से आ रही हूँ, मठ में हमारी शूट चल रही है, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ईरानियन फिल्म, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड बहुत गर्मी है बिकॉज आई मीन जब आप मठ में आउटडोर करते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा इतनी गर्मी है, बिकॉज यूजली हम गर्मियों में ना इंडोर होते हैं या स्टूडियो में फिल्म सिटी महबूब में, बट ये आई थिंक पहली शूट है मेरी जो मैंने इतनी गर्मी में इंडिया में शूट किया है, समर में इतनी भी गर्मी नहीं है, बट यू रियलाइज़ कि अच्छा दैट्स द बेस्ट वे टू कूल एंड फोटोशूट भी हो जाती है। एंड लव टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ